गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मेरी तबीयत सही नहीं है। तबीयत का मतलब ये नहीं है कि मुझे बुखार है या ऐसा कुछ है। बुखार ऐसा कुछ नहीं है। मेरी आवाज़ गला बैठ गया है, पता नहीं क्यों बैठ गया है। या तो पानी बदला है, 8-10 दिन वहाँ रह कर आई हूँ और फिर यहाँ आई हूँ, पानी बदला है शायद, इसलिए मेरा गला बैठ गया है। डॉक्टर से दवाई लेके आऊँगी मैं कल भी लेके आई थी दवाई, कल मुझे खांसी हो रही थी, लेकिन आज मुझे खांसी तो नहीं है लेकिन मेरा गला बैठ गया है। तो कोई बात नहीं, जिंदगी है तो हर बीमारी तो चलती रहती है, इससे क्या घबराना है ना। जाऊंगी डॉक्टर से बताऊंगी तो सही हो जाएगा। नमक के पानी के गरारे भी किए हैं सुबह, तो सही हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इस आवाज़ को भी आप एक्सेप्ट करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैंने पिछले मंडे को, एक तो कल मंडे था, एक उससे पहले वाला जो मंडे था उसको भी लोग ऐसा था, मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, और मैंने सायरा जी का भी लोग डाल दिया था, पुराना बना हुआ, एक पुरानी वीडियो डाल दी थी, वो सायरा जी ने देखी होगी। एक्चुअली क्या होता है कि हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हमारे दिल में उसके लिए कुछ भी हो जाता है ना, और वो उस चीज़ को कोई अप्रिशिएट करता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने सायरा जी की वीडियो भी नहीं देखी थी क्योंकि मैं वहाँ इतनी बिजी थी। 10 बजे से क्लास शुरू होती थी, 9 बजे से, 9 बजे से क्लास शुरू हुई थी होती थी बस टी ब्रेक 20 मिनट का, लंच ब्रेक 1 घंटे का, फिर टी ब्रेक 20 मिनट का, और फिर रात को 9 बजे क्लास ख़त्म होती थी। तो वहाँ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। 9 बजे उल्टा सीधा खाना खाया और लेट जाती। तो मैंने सायरा जी के ब्लॉग नहीं देखे थे, सायरा जी के बिल्कुल मैंने यूट्यूब चलाया ही नहीं था। आप देखो मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला था। तो मैंने सायरा जी का ब्लॉग एक डाल दिया था। अब मैंने रात सायरा जी के ब्लॉग देखा, मैंने रात सायरा जी के सारे ब्लॉग देखे 1 हफ्ते के, उसमें एक ये ब्लॉग भी देखा कि सायरा जी मुझे अप्रिशिएट कर रही है, मेरा नाम लेके कह रही है कि मेरा एक बहुत पुराना ब्लॉग नीता ने डाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। रियली सायरा जी के लिए एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से करती हूँ, दोनों हाथों से अप्रिशिएट करती हूँ। मैं कैसे लोग होते हैं यार, बहुत अच्छे लोग होते हैं इस दुनिया में। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आपने मेरा ब्लॉग डाला, मैं स्ट्राइक दे दूँगी, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। कितने अच्छे हैं आप। मैं उस माँ की कोख को अप्रिशिएट करती हूँ, मैं उसके सदके जाती हूँ जिसे आप, जिसने आपको जन्म दिया। देखिए आपका पास्ट क्या था, उस पास्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है। आप प्रेजेंट में क्या हो, मुझे उस बात से मतलब है। आपने फिर मेरा नाम लिया, आपने फिर मेरा चौथी बार नाम लिया या तीसरी बार नाम लिया है, और बहुत अच्छे से लिया है। क्या करूं, मेरे पास शब्द नहीं है आपको कहने के लिए। कितना बड़ा दिल होता है लोगों का, बहुत बड़ा दिल होता है। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बैठे हैं, दीपिका कक्कड़ जी बैठी हैं, कभी नाम नहीं लेती हैं किसी का। शोएब कभी नाम नहीं लेते हैं किसी का। इस टाइम तो वो कमेंट में चूर है, आजकल तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे वजह से लोगों के घरों के चूल्हे जल, आजकल तो वो ये कह रहे हैं। तो कमेंट, लोगों में कमेंट होता है। देखिए आदमी न्यूट्रल रहना चाहिए, चाहे वो पैसे वाला हो जाए, चाहे दौलत से, चाहे शोहरत से, कितना भी ऊपर वाला नमाज दे, इंसान को न्यूट्रल रहना चाहिए। क्योंकि वो ऊपर वाला ना जब देता है तो वो लेता भी ऐसे ही है। इसे कहते हैं व्यक्तित्व, ये होता है व्यक्तित्व। और जिन लोगों का ऐसा व्यक्तित्व होता है जो सच बोलते हैं ना, उन लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं, और जो होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। उन लोगों को लोग पसंद कम करते हैं। ऐसा ही मेरा व्यक्तित्व है। मैं टंके की चोट पे कहती हूँ कि मेरा झूठ पकड़ कर दिखाइए। झूठ बोलती हूँ, झूठ जब बोलती हूँ किसी के दिल को ठेस ना। झूठ जब बोलती हूँ किसी को दुख ना हो, झूठ जब
लगाने के लिए, दूसरों को परेशानी में डालने के लिए झूठ नहीं बोलती, यही मेरा व्यक्तित्व है। मैं पैसे के लिए दूसरों के लिए झूठ नहीं बोलती, यही मेरा व्यक्तित्व है। लोग कहते हैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। हाँ, मुझे कमंड है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो गलत हों, जो मेरे अपने हैं, मेरे जैसे। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं ऐसे लोगों से नफरत कर, नफरत क्या, मैं बोलना ही नहीं चाहती। मैं ऐसे लोगों से नफरत भी नहीं करती, क्योंकि नफरत भी ऐसे लोगों से की जाती है जो अपने होते हैं। मैं उन लोगों को अपने से दूर रखना चाहती हूँ, दूर रखना चाहती हूँ। मैं अपने से उन लोगों को बिल्कुल दूर रखती हूँ, ताकि उन लोगों की परछाई भी मेरे ऊपर ना पड़ सके और उन लोगों जैसा व्यक्तित्व मेरा ना हो जाए। कोई अगर लोग कहते हैं ना कि कमंड है, हाँ मुझे कमंड है अपने व्यक्तित्व पर, अपने जो मेरे माँ ने मुझे संस्कार दिए हैं उस पर, जिस माँ ने मुझे कोख से जन्म दिया है उस पर मुझे कमंड है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के पास नहीं बैठ सकती जो लोग चंद पैसे के लिए, चंद इज्जत के लिए, चंद अपनी बात को सच्चाई रखने के लिए बात बात पर झूठ बोलते हो। मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती, मुझे अपने ऊपर कमंड है। मेरे चंद लोगों का संगठन ही सही है, मैं चार लोगों का संगठन बनाऊंगी, मेरे चार लोग ही सही हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, मैंने देखा है, अब मैं बहुत नज़दीक से देख रही हूँ उन लोगों को, कि लोग बुराई तो करते हैं लोगों की, लेकिन फिर उनसे मिल जाते हैं, नहीं उनके बच्चे अच्छे नहीं होते, उनका भविष्य मैं समझती हूँ अच्छा नहीं होता। मैं कुछ भी हूँ लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ अपने आप से, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, वो नहीं, मैं कहती हूँ टाइम नहीं है, नहीं बोलते कुछ नहीं, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ कि मेरे बच्चे, कोई मेरा लड़का किसी तरह का कोई ऐप नहीं करता, अपने बच्चों की भरपूर रेस्पेक्ट करता है, अपने बच्चों का ध्यान रखता है, अपनी फैमिली का ध्यान रखता है। मुझसे नहीं कहता मम्मी 1000 रुपये दे दो, मम्मी 5000 रुपये, बस मेरे बच्चों की लोग तारीफ करते हैं, यही बहुत है मेरे लिए, यही मैं अपने लिए बहुत बड़ी बात समझती हूँ, क्योंकि ये मैंने पाली। सायरा जी, मैं मेथी राइस ज़रूर बनाऊँगी। थोड़ी सी बात करती हूँ उन लोगों के लिए जो लोग कह रहे हैं ना व्यूज़ के लिए कि नहीं देखते, तो मैं नहीं कहती हूँ मेरी वीडियो देखो, मेरी वीडियो देखो, हम तो कहेंगे, क्योंकि हम वीडियो बनाते ही उनके लिए हैं, इसीलिए वीडियो बनाते हैं कि वो वीडियो हमारी देखे। कल कटेली कह रही थी कि मेरी वीडियो जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो अच्छे लोग हैं वो देखते हैं, क्यों पहले जो तेरे 40-40 हज़ार व्यूज आते थे वो क्या बुरे लोग थे, वो क्या बुरे लोग तेरी वीडियो देखते थे, वो भी अच्छे लोग थे। असली बात ये है कि अच्छे लोगों ने तेरी वीडियो देखनी बंद कर दी है, जो तेरे जैसे हैं वही वीडियो देखते हैं, और तेरे जैसे भी वीडियो नहीं देखते, वो केवल तेरी बुराई ढूंढते हैं। कुछ लोग उनमें से अच्छे ऐसे भी हैं जो तेरी बुराई ढूंढते हैं कि तू क्या बुरा कह रही है, समझे, तू ये मत सोच। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको एक अच्छी वीडियो के साथ। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट, और मुझे बताना कि मेरे गले के लिए कुछ नेचुरल